बौखला गए, यह भी कहा गया कि भविष्य में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को कोई भी टिप्पणी मर्यादित सीमाओं के अंदर करना चाहिए। किसी भी वरीय नेता के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका सत्य से नाता रिश्ता न हो। और भाई नित्यानंद राय जी हम लोग के पार्टी के छात्र काल से हमारी पार्टी और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पार्टी के स्वाभाविक वरीय नेता हैं और जिनका संपूर्ण जीवन एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा है। वैसे व्यक्ति के संदर्भ में किसी का कुछ भी कहना सिवाय नरगल बयान के और कुछ नहीं कहा जा सकता। और मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम है पटना में और सभी मोर्चों की अध्यक्ष के साथ उनकी बैठक होने वाली है। चुनाव तो अभी विलंब है, तो क्या अभी चुनावी मोर्चे? भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम कैडर बेस्ड मास पार्टी है। तो हमारे संगठन का कार्य 365 दिन मतलब पूरे वर्ष में चलता है और निरंतर संगठन के विस्तार की योजनाएं संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से बनती है। पार्टी के अंदर जो हमारा मोर्चा है वह पार्टी के विस्तार को आधार देने वाला संगठन होता है। इन मोर्चों के माध्यम से पार्टी की इकाइयां समाज के विभिन्न क्षेत्रों और तबकों तक पहुंचती हैं और उनसे जुड़कर पार्टी के विचारधारा से अवगत कराकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करती हैं। और हमारे मोर्चे भी अलग अलग तौर पे हमेशा सालों भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं। यह एक बहुत विशेष अवसर बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सुखद अनुभव 30 जुलाई और 31 जुलाई को मिलेगा जब सभी मोर्चों के हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग उनकी एक साथ बैठक यहाँ होगी। 700 से अधिक प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आने वाले हैं, उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति 2 दिनों तक राज्य की राजधानी में रहने वाली है। हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी भी उसमें रहेंगे। इसके अलावे सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कई अन्य वरीय केंद्रीय पदाधिकारी भी इस संपूर्ण आयोजन में सहभागी होंगे। तो हम बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह एक सुखद अवसर मिलने वाला है जिसमें हम अपने संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व जो विभिन्न मोर्चों का है उनका स्वागत अभिनंदन और उनके बैठक के आयोजन में सहभागी बनने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।